साथियों नमस्कार। नौतपा यानी नौ दिन की विशेष गर्मी प्रारंभ हो चुकी है। हम हैं गोरखपुर में और हमारे पीछे जो इंडिया का जुगाड़ कहा जाता है वह दिखाई दे रहा है। भाई साहब हैं और देखिए कितना अच्छा इन्होंने जुगाड़ लगा रखा है। पहले तो अपना नाम बताइए। श्रीवास्तव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये कहाँ से आपने खरीदा है और कितने का खपड़ा है? क्या गोरखपुर में इसके मिलने की संभावना है? अगर कोई मंगाना चाहे तो सर कॉन्टेक्ट नंबर कॉपी करते हैं। ये बहुत अच्छा साधन है। क्या हवा से डिस्टर्ब नहीं होता है? बेंगलुरु में कौन है आपके जो भेजा? ये श्रीवास्तव जी थे जो बेंगलुरु से जुगाड़ मंगाए हैं और खास करके जो हीट स्ट्रोक है इसको कहीं ना कहीं या छाता कम करने का काम करेगा। और इस नौतपा के बीच पीएम योगी आदित्यनाथ की रैली एक हमारे पीछे चौराहे से होती हुई यहाँ से प्रारंभ होगी टाउन हाउस से और इस चौराहे से होते हुए ठीक सामने रीति चौक की तरफ जाएगी। जो गर्मी है वह विपक्ष के बीच कहीं न कहीं अधिक गर्मी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि योगी गोरखपुर से ही राजनीति का अखाड़े में उतरने वाले पहलवान हैं और बड़े बड़ों को पटकनी देने की इच्छा रखते हैं। जैसे कोई जानता नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसके सीएम होंगे, लेकिन विपक्षियों को धूल चटाते हुए आज जिस पद पर बैठे हैं और दो दो बार सीएम होने का जो उनको एक गर्व प्राप्त है, वो आने वाले इस जो लोकसभा चुनाव है जिसमें रवि किशन जो सांसद जी हैं और दोबारा होने के स्थिति क्या होगी इसके विषय में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों इस अखाड़े में जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैली आज मील का पत्थर साबित होगी और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे घोष कंपनी चौराहे को योगी मोदी और जो नड्डा हैं जेपी नड्डा उनके लिए सजाया गया है। और देखिए नगर निगम अभी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा रहता था और लगातार गंदगी फैलती थी, लेकिन सीएम के तैयारियों के बीच उस रास्ते को नगर निगम के लोग सफाई में जुटे हैं। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे केसरिया रंग के गुब्बारे लगाए गए थे, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में यानी जो 40-45 डिग्री गर्मी पड़ रही है उसके बीच इन गुब्बारों की हवा निकल गई है। तो यह कहीं न कहीं गर्मी के बीच जो गोरखपुर का तापमान है वो सरकारी अधिकारियों के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का गर्मी लाने का काम कर रहा है। इस तपती दोपहरी में जहां मैं न्यूज़ बना रहा हूं, अभी मैं हेलमेट उतारा हूं, काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है और लोग घरों से धीरे धीरे निकलने की कोशिश में हैं। गाड़ी वाहन चालक भी हैं, जैसा मैं आपको दिखाया हूँ कि अभी एक सज्जन एक छतरी लगा करके जा रहे थे। हर आदमी इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो आप 1 जून को कोई भी गर्मी हो लेकिन घरों से बाहर निकलिए और मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, चाहे किसी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन गोरखपुर समाचार आपसे यह निवेदन करना चाहता है कि यह वर्ष 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है सरकार चुनने के लिए, आप आइए और मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और आज सायं 5:15 पर इसी रास्तों से जो रास्ते या सन्नाटे हैं कहीं न कहीं लोगों के जन सैलाब में डूब जाएगा और भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी और आगे रोड शो चलेगा। आगे रोड शो के लिए गोरखपुर समाचार कमर कस के तैयार है, आपको पल पल की लाइव अपडेट देने की कोशिश करता रहेगा। और मेरा विनम्र निवेदन है कि घर से जब भी निकलिए सर ढक के निकलिए, पानी पी के निकलिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक से यूपी में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जयपुर राजस्थान। और आपसे अभी निवेदन कर रहा हूँ अपने आसपास के खाली ज़मीनों में एक पेड़ जरूर लगाइए, ये मेरा निवेदन है और हम भी कोशिश करेंगे कि एक पेड़ जरूर लगाएंगे। धन्यवाद। गोरखपुर समाचार।